नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक और मैं हूं शिप्रा। छुट्टियां तो शुरू हो गई लेकिन ऑफिस का टेंशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। काम का टेंशन ना सिर्फ आपको स्ट्रेस में डालता है बल्कि आपकी पूरी फैमिली भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं छुट्टियों को पूरी तरह से एंजॉय करना तो इस बार छुट्टियों में करें टेंशन की छुट्टी। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लोग पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जा चुके हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑफिस के टेंशन की वजह से 53% लोग छुट्टी एंजॉय नहीं कर पाते। छुट्टी पर भी काम उनका पीछा नहीं छोड़ता। छुट्टियों में भी दफ्तर की टेंशन, 53% लोग छुट्टी में भी नहीं कर पाते रिलैक्स। 27% लोग छुट्टी पर भी करते हैं रोज 3 घंटे काम। रोजमर्रा की जिंदगी और दफ्तर की टेंशन से दूर फुर्सत में कुछ पल अपनों के साथ बिताना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत कहाँ होते हैं। दफ्तर से छुट्टी मिल भी जाए तो 27% लोग रोज 3 घंटे काम करने को मजबूर होते हैं और ये खुलासा किया है रीगस इंडिया के सर्वे ने। बट आप फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज लैपटॉप है आपका, मोबाइल्स है, फोन्स हो या लैपटॉप के थ्रू आपको कोई ना कोई काम रहता ही है। फ्रीली एंजॉय करना छुट्टियां पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप वर्किंग है, आपको ईमेल्स चेक करने पड़ जाते हैं, आपको वर्क जो है आपको वहीं से मिल जाता है, तो फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकते। 80 देशों के 16,000 लोगों से पूछा कि वो छुट्टियां कैसे बिताते हैं। 51% यानी हर दूसरे शख्स ने कहा कि भले ही छुट्टी पर हो लेकिन हॉलिडे डेस्टिनेशन पर भी दफ्तर का काम तो करना ही पड़ता है। कहीं पे जा रहे हो और ऑटो बिजनेस आउट ऑफ टच तो फिर तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। मेल तो आपको चेक करनी ही पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले करना ही पड़ेगा। पता चला कि नए जमाने के गैजेट्स मसलन लैपटॉप, नोटबुक और मोबाइल लोगों को दफ्तर से जोड़े रखते हैं। किसी सुकून भरी जगह पर भी दफ्तर के मेल पीछा नहीं छोड़ते और छुट्टियों का मजा हर पल होता है किरकिरा। तनुप्रिया, दिल्ली आज तक। गर्मी की छुट्टियों में भी दफ्तर के काम और स्ट्रेस को ढोना लोगों की आदत सी बन गई है, उनको ये मजबूरी लगती है, लेकिन छुट्टियों में साथ जाने वाले बच्चों और परिवार के लोगों के लिए ये मुसीबत का दूसरा नाम है। घर पर बैठकर नए हॉलिडे डेस्टिनेशन की प्लानिंग तो हो रही है लेकिन सबको पता है कि छुट्टियों पर भी ऑफिस की टेंशन पीछा नहीं छोड़ेगी। दफ्तर का कभी ना खत्म होने वाला काम छुट्टियों का कबाड़ा करता आया है। मनाली घूम के आए तो मनाली में हम लोग होटल में बैठे हैं तो इनका आधा ध्यान तो कंप्यूटर उसमें लैपटॉप में रहता है, शायद मेरा ऑर्डर आ जाएगा, शायद हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, कभी कभी वो मेल कर रहे हैं, कभी ईमेल चेक कर रहे हैं। तो इतना घूमने का नहीं होता कि कहीं होटल में हम इंजॉय कर रहे हैं या हम लोग अभी गुरुग्राम गए हैं तो इंजॉय करें, यार मैं चेक कर लेता यार शायद ऑर्डर आया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल से वक्त निकाल कर छुट्टियों की प्लानिंग तो हो जाती है लेकिन काम है कि पीछा नहीं छोड़ता। वक्त जानी अनजानी शानदार जगहों पर लुत्फ उठाने का है लेकिन पापा है कि दफ्तर के मेल चेक कर रहे हैं, बच्चों को भी भला गुस्सा क्यों ना आए। पहले जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं पापा हमेशा फेसबुक पे या फिर अपने मेल चेक करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पापा से नाराज भी होते हैं, पापा छोड़ दो अब तो हमारे साथ एंजॉय कर लो, बट फिर भी पापा कहते हैं थोड़ी देर करते करते सारा टाइम निकल जाता है उसी चीज में और एंजॉय करना भी मुश्किल होता है क्योंकि हमेशा ही वो मेल चेक करते रहते हैं। पापा बस करो और काम मत करो, थोड़ा टाइम और भी दे दो, बस यही बोलते हैं। हम पापा को बस यही बोलते हैं कि आप काम छोड़ो और हमारे साथ आ जाओ छुट्टियां स्पेंड करो। हॉलिडे पर जाते वक्त लोग लैपटॉप नोटबुक ले जाना नहीं भूलते ताकि अगर कोई अर्जेंट काम हो तो वहीं से निपटाया जा सके। ऐसे में छुट्टी भला छुट्टी कहाँ रही। मोबाइल और नोटबुक ने लोगों की लाइफ को तो आसान किया ही है लेकिन साथ ही साथ ये कभी कभार मुश्किलें भी पैदा करती है। जब आप हॉलिडे पर हो और ऑफिस का स्ट्रेस हो, साथ ही साथ आपको मेल चेक करना हो, तो एक तरीके से ये एक मजबूरी सी बन गई है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र राजपूत के साथ तनुप्रिया, दिल्ली आज तक।